नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, यानी चेतन मन या अवचेतन मन के बारे में। देखिए, बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है, और अगर कॉन्शियस माइंड में कोई भी बात और कोई भी डाटा अगर आप फिट करते हैं तो बहुत इजीली पूरा हो जाता है। कोई भी चीज अगर आप कॉन्शियस माइंड में एक बार भेज दिए तो समझ लीजिए वो काम होके ही रहेगा। और ये सच भी है, सब कॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा है, अवचेतन मन की पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप एक बार अवचेतन मन तक पहुंचा दिए बात तो समझ लीजिए कि फिर आपका वो काम हो ही जाता है। तो लोग क्यों बोलते हैं कि अवचेतन मन तक बात पहुंचाइए, और क्या आपका बात अवचेतन मन तक पहुंच पाता है? जी नहीं, बहुत लोग का बात नहीं पहुंच पाता है अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक। तो ये है क्या, इसको अगर हम लोग जान जाएंगे ना तो शायद ये बात पहुंचाने में बहुत इजी होगा हम लोग को। तो इसको जानने के लिए हमको ये समझना होगा ये क्रिएट कैसे हुआ है। तो क्रिएट के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले आता है मन, यानी माइंड की तीन अवस्थाएं हैं जो सब जानता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड मतलब बेहोशी की अवस्था। तो बेहोशी की अवस्था की यानी अनकॉन्शियस माइंड की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सब जानता है कि जब हमारा शरीर बेहोश पड़ा होता है, एनेस्थीसिया अगर दे दिया जाए या कुछ भी जिसमें हमको होश ना हो, वो हमारा हुआ अनकॉन्शियस माइंड। हम यहाँ बात करेंगे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों क्रिएट कैसे हो रहा है। सपोज अगर आपसे हम बोल दिया जाए कि आपको आग में हाथ डालना है, तो क्या आप आग में हाथ डालेंगे? कभी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? आप इसलिए आग में हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि जब आप अपने मन को संदेश देंगे तो आपका मन बोलेगा कि भाई अगर तुम हाथ आग में डालोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो आप फटाक से आप आंसर दोगे कि हमको हाथ आग में नहीं डालना है क्योंकि मेरा हाथ डालते ही मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन क्या आप किसी बच्चे को, जो छोटे बच्चे को कभी आग को देखा ना हो, उससे आप बोलेंगे कि तुम आग में हाथ डालो, तो क्या वो डालेगा? ऑब्वियसली डालेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो आग में हाथ डालने जाएगा और जैसे ही वो आग में हाथ डालेगा उसका हाथ जल जाएगा, और जैसे ही हाथ जलेगा ना, वहां उसके पास एक माइंड क्रिएट होगा, यानी एक मन क्रिएट होगा। उस मन में ये बैठ जाएगा कि अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, यानी इससे हाथ जलता है। तो जो वो मन क्रिएट हुआ ना, उसी को बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, यानी ये कॉन्शियस माइंड है। लोग अक्सर बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक हम कोई डाटा भेज नहीं पाते हैं। क्यों नहीं भेज पाते हैं? उसका रीजन यहीं से क्रिएट हो रहा है, यानी जो बच्चा होता है उसके पास 100% सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। और वो जैसे जैसे तजुर्बा पाता है, जैसे जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि अच्छा इससे करने से ये होता है, इससे करने से ये होता है, इससे करने से ये होता है, वैसे वैसे क्रिएट होता है कॉन्शियस माइंड, यानी 100% में से 10% क्रिएट हो जाएगा उसके पास कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। 90% उसके पास जो माइंड होगा वो अवचेतन मन का होगा, यानी अवचेतन के मन के पास डिसाइड करने की कोई क्षमता नहीं होती, वो डिसीजन नहीं ले सकता अवचेतन मन, वो सिर्फ करना जानता है। कोई भी चीज उसके मन में अगर पड़ गई अवचेतन मन के मन में, तो वो कर देगा वो चीज, वो सही है क्या गलत क्या है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तजुर्बा जो होती है, वो तजुर्बा आते आते हमारा क्रिएट होता है कॉन्शियस माइंड, यानी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे कॉन्शियस माइंड क्रिएट होता है। बचपन में कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, बचपन में अनकॉन्शियस में हम रहते हैं। और बड़े होके क्या गड़बड़ हो जाता है कि कोई भी चीज, जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं हमको वहां जाना सही होगा कि नहीं सही होगा। वो आप किससे पूछ रहे हैं? आप उससे पूछ रहे हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसके पास माइंड ही नहीं, यानी कॉन्शियस माइंड से आप पूछ रहे हैं कि हमको वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब कॉन्शियस माइंड अभी तक की पूरी एक्सपीरियंस वाली लाइफ जितनी है उस चीज को देखेगा, समझेगा और उसके बाद बताएगा नहीं वहां जाना सही है कि नहीं जाना सही है। तो आप जो संपर्क है सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड तक रख रहे हैं अभी, और यही चीज धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे आपको ही पता होगा कि अगर हम शरीर का कोई भी पार्ट को उसको यूज करना बंद कर देना तो वो खत्म होने लगती है। तो इसी तरह हम अब जो बड़े हो रहे हैं तो हम बार बार कॉन्शियस माइंड को यूज करना है, कोई भी चीज करना है कॉन्शियस माइंड को यूज करना है, कोई भी चीज कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इससे सबकॉन्शियस माइंड का जो है ना वो यूज कम हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग बार बार हर चीज यूज कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड को, तो अब हमारे पास
सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश भेजने के लिए वो माइंड ही नहीं बच रहा है, वो टेक्निक नहीं पता है किस तरीके से हम वहां तक वो संदेश को भेज देंगे। पर है, टेक्निक है, क्योंकि वो खत्म नहीं हो सकता, वो तो हमारे शरीर में है, तो वो कैसे खत्म होगा। तो उसका टेक्निक सब बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड में भेजने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है, बार बार आप उस काम को रिपीट करिए, बार बार अपने आप से बोलिए हमको ये करना है। पर ये यार कैसे, ये कैसे सही है? कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि बार बार उसको दिलो जान से चाहो कोई भी चीज़ को तो वो मिल जाती है। बहुत से वीडियो देखे होंगे कि बस बोलते रहो, करते रहो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? हम बोल रहे हैं, चलो ठीक है, हम पर डे बोल रहे हैं हमको ये कर लेना है, हमको कर लेना है, पर इसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। अगर आपसे कोई मांग दे कि नहीं हमको प्रूफ दो, तो कैसे देंगे प्रूफ? चलो पर डे बोलते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, अगले दिन अमीर हो जाएंगे, एक महीने बाद अमीर होना है, होना है, होना है, सुबह उठते हैं पर डे यही बोलते हैं, तो एक महीने बाद कैसे अमीर हो जाएंगे? इसका कोई लॉजिकल चीज़ है? हाँ, इसका लॉजिकल है आपके पास। ये कैसे है हम आपको बताते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी क्या है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी डाटा सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो वो ऑटोमेटिक होने लगता है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि हम बोल दिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि हम अमीर बनना है तो वो ऑटोमेटिक होगा, हम बोल दिए कि भैया हमको उससे प्यार है, वो ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा, या हम बोल दिए कि वो काम हमको नहीं करना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बोल दिए कि हमको शादी नहीं करना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ऐसा, ये कैसा पावर है? ऐसा कभी हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक हो सकता है? हाँ, अगर इसको प्रूफ मांग रहे हैं तो चलो देना तो पड़ेगा, क्योंकि हाँ है, ऑटोमेटिक होता है। क्या हमारे बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक होता है? अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सांसें जो ऑटोमेटिक चलती हैं, आपको पता भी नहीं चलती है, सांसें आपका ऑटोमेटिक चलता है, आपको पता नहीं रहता है कि कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, लेकिन वो चलेगा। अब आप बोलोगे सांसें, अब ये कहाँ तुलना कर रहा है सांसों का और कामों का? ठीक है, काम एक अलग चीज़ होता है। अगर कोई भी बोल दे कि हमको अमीर बनना है तो क्या बोलने से अमीर बन जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? सांस तो चलो हमारी बॉडी की क्रिया है। हाँ, ये चीज़ है कि कर्म करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो हमारा साइकोलॉजिकल माइंड है उसमें ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? आप साइकिल चलाते हो ना, ठीक है, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं आप बहुत कॉन्शियस से चलाते हो, यानी आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। कुछ समय बाद जब आपको साइकिल और बाइक चलाने आ जाता है तो फिर क्या करते हो आप सब कॉन्शियस चलाते हो। आपको नहीं पता होता है कि कहाँ हमको मुड़ना है, कहाँ जाना है, स्टीयरिंग कैसे घुमानी है, ब्रेक कहाँ लगाना है, बस आप लगाते जाते हो। वो काम ऑटोमेटिक होता है ना। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप उसको इतनी बार किए हो, इतना प्रैक्टिस किए हो कि आपको पता चल गया है कि कहाँ हमको मोड़ना है, कैसे हमको ब्रेक लगाना है, कैसे स्टीयरिंग घुमाना है, क्या होता है, किस समय रोकना है, कहाँ जाना है। क्या आप कभी निकलते हो, सपोज आपको कहीं बाहर जाना है, आप सोच लिए कि हमको यहाँ जाना है, तो क्या आपको पता होता है? जैसे आपको रास्ता पता है, सपोज एक ही रास्ते से आप बार बार जा रहे हो, ठीक है, सुबह उठते हो उसी रास्ते से आप जाते हो पार्क घूमने के लिए, तो क्या आप डिसाइड करके जाते हो कि हमको इस गली से ऐसे मुड़ के जाना है? नहीं, आप बस चलते जाते हो, आप पहुंच जाते हो, कभी सोचते नहीं हो। वो कैसे होता है? वो ऑटोमेटिक होता है ना। वो क्यों ऑटोमेटिक होता है? क्योंकि आप इतनी बार काम कर चुके हो कि वो होने लगता है। यही पावर है, यही चीज है जो समझना होता है कि हम बार बार बोलें। पर अब यहाँ पे एक चीज है कि सिर्फ घर में बैठ गए और बोलते रहे कि हमको अमीर होना है, तो नहीं होगा। क्योंकि घर में बैठ के ऐसे बोलोगे कि वो पार्क जाना है तो नहीं होगा। आपको उठ के पार्क जाना पड़ेगा। पर डे पार्क जाओगे तो एक समय आएगा कि आपको वो रास्ता याद हो जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया तो काम ऑटोमेटिक होगा ही। यही है फॉर्मूला ऑटोमेटिक होने का, सबकॉन्शियस का, ठीक है। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ हो नहीं सकता। कर्म प्रधान है, ये चीज है। जितने भी लोग बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें हैं, पर कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई वर्षों बाद आया है, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें कर्म के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि कर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर्म करेंगे तो आपके पास इतनी इच्छा शक्ति आ जाएगी कि आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि हमको वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। वही विश्वास, अगर हम कर्म की बात करें यहाँ पे, वो अलग चीज़ है, वो अलग एक फील्ड हो जाएगी कर्म की बात करने से। हम यहाँ पे कॉन्शियस लेवल की बात कर रहे थे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में। तो
दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो यही है, सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है कॉन्शियस माइंड को, और कॉन्शियस माइंड को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अब इसी चीज को छोड़ना है भाई, अडॉप्ट करो कॉन्शियस को, लेकिन सबकॉन्शियस को मिला के। अगर आपको सबकॉन्शियस तक वो डाटा भेजना है तो कॉन्शियस को मिला के वो डाटा को भेजो, और डाटा को भेजने के बाद रिपीट करो बार बार, हमको ये काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो काम हो जाएगा आपको। हाँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है दोस्तों, इसको यहीं तक रखते हैं। आप बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? कुछ तो बताओ, वीडियो अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, किस तरीके से बनाएं, क्या करना है, मुझे कुछ तो बताओगे तब समझ में आएगा ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।